जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे कॉमन चीज़ जो आप देखते हैं वो होता है स्टेथोस्कोप। इसे एक फ्रेंच फिजिशियन रेने लेनैक ने 1816 में पेशेंट के हार्ट बीट को बेहतर तरीके से समझने के लिए बनाया था। पर क्या आपको यह पता है कि ये काम कैसे करता है? स्टेथोस्कोप के इस हिस्से को डायफ्राम कहते हैं, जिसे पेशेंट की छाती में सटाया जाता है, और इस हिस्से को ईयर प्लग कहते हैं, जिसे डॉक्टर अपने कानों में लगाता है। डायफ्राम चौड़ी होने के कारण वो ज़्यादा जगह से साउंड को कलेक्ट करके पतली ईयर प्लग्स में भेजती है, जिससे साउंड का लाउडनेस बढ़ जाता है। जब चौड़ी जगह के एयर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीलेशन पतली जगह पर पहुंचता है तो मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यानी वो और ज़्यादा आगे पीछे होता है, और एम्पलीट्यूड का बढ़ना ही लाउडनेस का बढ़ना होता है, इसलिए ईयर प्लग्स में साउंड ज़्यादा लाउड सुनाई देता है।